एक्सरसाइज का गायनेकोमास्टिया के अंदर बेसिकली कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी मिल जाएंगी कि एक्सरसाइज करो गायनेकोमास्टिया खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करो, इस तरह से पेक्टोरस मसल को बनाओ, इस तरह से टेढ़े होकर करो, उल्टा लटक कर करो, या एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर नॉट हेल्पफुल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ ए ग्लैंडुलर टिश्यू विच हैज़ टू बी रिमूव्ड। अगर ये ग्लैंडुलर टिश्यू निकलेगा नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर ये फैट वाला गायनेकोमास्टिया है, पफी निपल के बिना है, इसका मतलब ये गायनेकोमास्टिया है ही नहीं, इट्स इज प्राइमरली फैट। फिर आप जितनी एक्सरसाइज करोगे आपको फायदा होगा, वो गायनेकोमास्टिया रहेगा ही नहीं, बट वो गायनेकोमास्टिया था ही नहीं। अगर वो गायनेकोमास्टिया आपका ठीक हो जाता है फैट लॉस से या एक्सरसाइज, इसका मतलब वो फैट था जो पिघल गया। जो ग्लैंडुलर गायनेकोमास्टिया है वो हमेशा ही रहेगा, और उसका ट्रीटमेंट सर्जरी कर ही है, हमें वो ग्लैंड्स निकालने ही पड़ेंगे।